कम्युनिकेशन सिस्टम की पहले के कंपोनेंट्स हम बाद में देखें पहले ये बताएं कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम इज बेसिकली यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर हमने कोई भी डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजनी है उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम कम्युनिकेशन आपको पता है जैसे बात करना किसी से हम बातचीत कर रहे हैं उसको हमने कह दिया है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम के जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमारा जा रहा है डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है वो बनाता है कम्युनिकेशन सिस्टम को द प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रांसमिशन हैज वेल डिफाइंड स्टेप्स एंड दे आर एग्जीक्यूटेड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। जिस तरह आपको याद हो हमने जब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला चैप्टर डिस्कस किया था उसमें एक बात कही गई थी कि हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन तक पहुंचने के कुछ स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स का सीक्वेंस मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है याद हो आपको मैंने इस बात पर बहुत एम्फोसिस किया था कि स्टेप का सीक्वेंस ज़रूर याद रखिएगा ऐसा नहीं हो सकता स्टेप थ्री वन पर हम परफॉर्म कर लें और स्टेप वन थ्री पर आकर परफॉर्म करें और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारा सोल्यूशन हमारा रिजल्ट वही आएगा जो कि एक्सपेक्टेड है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अगर आपने सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा बिकॉज जब हम बात कर रहे होते सिस्टमेटिक अप्रोच की वेल डिफाइंड स्टेप्स की तो हमें उनको उन्हीं सीक्वेंस में फॉलो करना है जिसमें वो हमें दिए गए हैं जिसमें हमें बताया गया है कि ये स्टेप वन है ये स्टेप टू है और ये स्टेप थ्री है मीन्स कि स्टेप वन से ही हम स्टेप टू पर आएंगे और स्टेप टू से फिर हम इवेंचुअली स्टेप थ्री पर आएंगे बीच में अगर कोई स्टेप स्किप कर दिया मतलब कि हमारे प्रोग्राम में आ जाता है एरर हम प्रॉपरली उसकी एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे होते इसी तरह अगर कोई स्टेप ऊपर नीचे कर लिया सेम वही प्रॉब्लम आएगी कोई एरर आ जाएगा या उसकी कंप्लीशन नहीं हो पाएगी सो so, ये जो हमारे पास प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और उन स्टेप्स का सीक्वेंस मेंटेन रखना ये याद रखना कौन सा स्टेप हमने कब परफॉर्म करना है किस स्टेप से पहले कौन सा स्टेप आएगा और किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं पर जो स्टेप्स मिस हो गए हमारा प्रोसेस काम नहीं कर पाएगा हमने बात की कि कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्या हैं देर आर फाइव मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम जो मैंने आपको अभी बताया कि वो क्या है उसके जो कॉम्पोनेट जिस पर वो बेस कर रहा होता है दे आर फाइव मेन कॉम्पोनेंट जो कि हैं सेंडर रिसीवर मैसेज प्रोटोकॉल एंड लास्ट बट नॉट द ट्रांसमिशन मीडियम ट्रांसमिशन मीडियम हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसमिशन मीडियम वही है जो कि हमने आपको बताया था ट्रांसमिशन चैनल जो हमने डिस्कस किया है कि गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया जो होते हैं वो ट्रांसमिशन मीडियम है दिस इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ आर कम्युनिकेशन सिस्टम वो हम कर चुके हैं डिस्कस बट आज उसको हम हल्का सा टच करेंगे बट हा हम तो उसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी सो स्टार्ट करते हैं हम पहले कॉम्पोनेंट से दैट इज अ सेंडर क्या है सेंडर इज अ डिवाइस दैट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सेंडर वो डिवाइस है जो ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है सेंडर जैसे कि मतलब है वो जिसने सेंड किया कुछ अब जब तक कोई कुछ सेंड नहीं करेगा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट ही नहीं होगा मैंने आपको अगर एक मैसेज भेजा है आई एम सेंडर मैंने आपको एक मैसेज भेजा है मतलब कि मैं हूं जिसने इनिशिएट किया है कम्युनिकेशन के प्रोसेस को सो सेंडर इज द वन हु इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसमीटर और अ सोर्स ट्रांसमीटर भी वही होता है जिसने इनिशिएट किया प्रोसेस को सोर्स भी वही हम सेंडर को सोर्स भी कह सकते हैं हम सेंडर को ट्रांसमीटर भी कहते हैं सोर्स मतलब कि यहाँ से कोई चीज़ का आगाज़ हुआ मैं सोर्स हूं कम्युनिकेशन प्रोसेस क्योंकि मैंने आपको मैसेज भेजा था सो आई एम द सेंडर आई एम द सोर्स एंड आई एम द ट्रांसमीटर एज वेल सो हमने ये देखा कि सेंडर क्या है और उसको हम सोर्स भी कह सकते हैं उसको हम ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं अगर कहीं पे वर्ड यूज हो रहा हो सोर्स का या ट्रांसमीटर का तो समझ लीजिएगा बात हो रही है सेंडर की यहाँ पर नॉर्मली कंप्यूटर इज़ यूज एज अ सेंडर इन कम्युनिकेशन सिस्टम क्योंकि हम बात ही कंप्यूटर साइंस की कर रहे हैं हम सब्जेक्ट ही कंप्यूटर साइंस का कर रहे हैं तो जो भी हम बात कर रहे हैं इसका मतलब है वो कंप्यूटर सिस्टम की कम्युनिकेशन सिस्टम की बात हो रही है सो so, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा कंप्यूटर जिसमें इन्वॉल्व है वहाँ पर नॉर्मली कंप्यूटर ही एक सेंडर होता है कैसे होता है ये सेंडर अब आप कहेंगे कि मैसेज तो ई तो आपने की तो कंप्यूटर कैसे सेंड हो गया सेंडर कैसे आ गया ईमेल की तो आपने बट उसको लेकर जाने वाला कौन है कंप्यूटर कंप्यूटर से जनरेट हुई ना आपने बाय हैंड किसी को मेल तो नहीं दी आपने कंप्यूटर के थ्रू सेंड की ईमेल सो so, कंप्यूटर है वो सेंडर आप तो है सेंडर बट कम्युनिकेशन सिस्टम में कंप्यूटर को सेंडर कंसीडर किया जा रहा है आपको सेंडर नहीं कंसीडर किया जा रहा है बिकॉज आपने ये काम करवाया है कंप्यूटर के थ्रू आपने बाय हैंड अपने फ्रेंड को जाके कोई मेल नहीं पकड़ाई आपने कंप्यूटर के थ्रू उसको ईमेल किया है मीन्स कंप्यूटर है जिसने इनिशिएट किया है वो प्रोसेस इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम वैन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स सो कंप्यूटर नेटवर्क में नॉर्मली हमारा कंप्यूटर होता है जो सेंडर कंसिडर किया जाता है बेशक वो आप कर रहे होते हैं अपने एंड पर बट वहाँ से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर से वो कंप्यूटर ने भेजा है कंप्यूटर ने स्टार्ट किया है उस प्रोसेस को सो दैट्स वाई नॉर्मली हमारे जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम होती है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इनिशिएटर जो होता है जो सोर्स होता है जो ट्रांसमीटर होता है जो सेंडर होता है वो नॉर्मली कंप्यूटर ही कंसिडर किया जा रहा होता है आई होप सेंडर का टॉपिक आपको क्लियर हो गया जो कॉम्पोनेंट था फर्स्ट सेंडर जो कि इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को ये हो गया क्लियर अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट पर दैट इज रिसीवर के रिसीवर रिसीवर क्या होता है इज अ डिवाइस दैट रिसीव द मैसेज मतलब कि जिस तरह सेंडर था जिसने प्रोसेस को स्टार्ट किया इनिशिएट किया जिसने मैसेज भेजा रिसीवर वो डिवाइस है जो कि मैसेज रिसीव कर रही है मैंने एग्जाम्पल दी जैसे मैंने आपको मैसेज भेजा है तो मैं सेंडर हूँ और आपको भेजा है आपने उसको रिसीव किया है यू आर द रिसीवर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर तो यहाँ पर कंप्यूटर ने एक कंप्यूटर ने इनिशिएट किया है प्रोसेस और दूसरे कंप्यूटर ने उसको एक्सेप्ट किया है दैट इज द रिसीवर जहां पर डेस्टिनेशन जिसको हम कहेंगे वो है रिसीवर सोर्स सेंडर है तो डेस्टिनेशन क्या है रिसीवर है इसीलिए हम रिसीवर को सिंक या डेस्टिनेशन भी कहते हैं सिंक हुआ वहां पर जाकर हमारा मैसेज चला गया वहां पर उसको मिल गया सिंक हो गया डेस्टिनेशन मीन्स कि आपने वहीं पर जाना था उसकी डेस्टिनेशन वही थी उसको हम डेस्टिनेशन भी कहते हैं जिस तरह सेंडर को हम सोर्स और ट्रांसमिशर भी कहते हैं इसी तरह रिसीवर को हम सिंक और डेस्टिनेशन भी कहते हैं सो so कहीं ये दो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हो तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना समझ लेना है कि इनका मतलब भी रिसीवर ही है अगर आप कहीं पर डेस्टिनेशन का वर्ड देखेंगे और आप कहेंगे हमने तो डेस्टिनेशन को एज एन कॉम्पोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं पढ़ा समझ लीजिएगा डेस्टिनेशन मीन्स रिसीवर सो so, रिसीवर को हम डेस्टिनेशन भी कहते हैं नॉर्मली रिसीवर ही आता है हर जगह पर बट इन केस कहीं पे डेस्टिनेशन या सिंक लिखा हुआ हो तो आपने समझ जाना है कंफ्यूज नहीं होना कि ये मतलब है रिसीवर का ही द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर प्रिंटर और एनदर डिवाइस अब जिस तरह मैंने बात की सेंटर तो नॉर्मल सिचुएशन में हमारा कंप्यूटर डिवाइस ही होती है जो कि इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को बट जब हम रिसीवर की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर ही हो ट कैन बी कंप्यूटर पर देट कैन बी प्रिंटर एज वेल या कोई और डिवाइस लाइक like, अगर मैंने अपने कंप्यूटर से स्टार्ट किया एक रिक्वेस्ट भेजी है कोई मुझे प्रिंट चाहिए था मेरा कंप्यूटर सिस्टम तो सेंडर ही रहा उसी ने इनिशिएट की वो कम्युनिकेशन उस हार्डवेयर के साथ जिसको मैं प्रिंटर कह रही हूँ अब जो मुझे वहां पर पहुंचेगी रिक्वेस्ट पहुँचनी कहाँ परिंटर पर बिकॉज आई नीड अ प्रिंटर तो रिसीव कौन कर रहा है मैसेज मेरा प्रिंटर कर रहा है प्रिंटर इस सिचुएशन में हो गया हमारा रिसीवर यहाँ पे जरूरी नहीं है दो कंप्यूटर्स की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है किसी भी हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है सो so, जो भी मैसेज जहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है वो रिसीवर है वो हार्डवेयर हमारा प्रिंटर भी हो सकता है वो हार्डवेयर हमारा स्पीकर भी हो सकता है सो so, कहीं पे भी जहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है हमारा मैसेज दैट इज़ अ रिसीवर हमने दो कंपोनेंट्स के लिए डिस्कस सेंडर एंड रिसीवर अब बात करेंगे हम मैसेज की तो थर्ड कंपोनेंट है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस का दैट इज मैसेज मैसेज इज अ डेटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड मैसेज वो एक्चुअल पार्ट है जो कि कम्युनिकेट होना है वो एक्चुअल मैसेज वो एक्चुअल डेटा वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कि सेंडर से रिसीवर तक जानी है उसको हम कहते हैं मैसेज मैंने आपको अगर ई करनी है ई मेल मैसेज है मैंने आपको कोई टेक्स्ट मैसेज भेजना है वो टेक्स्ट मैसेज जो है वो हमारा एक मैसेज है अगर मैंने वॉइस नोट भेजना है वो एक मैसेज है सो अ मैसेज कैन बी अ टेक्स्ट नंबर साउंड पिक्चर्स वीडियोज और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज जिससे मैंने आपको कहा मैसेज टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है मैसेज कोई वॉइस नोट भी हो सकता है मैसेज कोई वीडियो भी हो सकती है मैसेज कोई पिक्चर भी, भी हो सकती है या इनका कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है मैसेज आपका वेरी करता है उसकी एक वैरायटी है आपके पास लेकिन जो चीज़ एक्चुअली कम्युनिकेट होनी है हम उसको कहते हैं मैसेज अगर मैंने आपको कोई पिक्चर भेजनी है वो मैसेज है जो इनियर टेक्स्ट की फॉर्म में होगा मैसेज अगर मैंने आपसे कोई वीडियो शेयर करनी है वो हमारा मतलब कि वो मैसेज है मैंने आपको एक मैसेज दिया इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो सो जिस चीज को हमने कम्युनिकेट करना है दैट इज अ मैसेज इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम अ मैसेज इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स हम पैकेट्स में भेजते हैं मैसेज को वो कैसे करते हैं वो आगे हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे वो पैकेट्स पर जाता है बट जो ईच मैसेज हैज टू पार्ट्स है कोई भी मैसेज भेजा इट्सर वॉट एवर हर मैसेज के दो पार्ट्स होते हैं कौन से दो पार्ट्स हैं हमारे पास एक है पे लोड अदर वन इज कंट्रोल इंफॉर्मेशन अब पे लोड क्या है पेलोड इज द एक्चुअल कॉन्टेंट ऑफ द मैसेज आपके मैसेज जो असल में आपने मैसेज भेजना है वो आता है पेलोड के अंदर उसको हम रखते हैं पेलोड का नाम कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या है एक्चुअली मैसेज को दो पार्ट्स में बनाया ना एक तो हो गया वो एक्चुअल मैसेज आपको भेजना है लेट्स वो हो गया पेलोट बट दूसरा पार्ट जिसको हम कंट्रोल इंफॉर्मेशन कह रहे हैं एज अ नेम इंडिकेट्स कंट्रोल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि कुछ कंट्रोल कर रही है और वो इंफॉर्मेशन क्या है वो इंफॉर्मेशन है अबाउट मी दैट इज अ सेंडर मैं यहाँ पे इस सिचुएशन में सेंडर हूँ मेरे मुतल इंफॉर्मेशन किसने मैसेज सेंड किया है और रिसीवर की इंफॉर्मेशन कि किसको पहुंचना है मतलब कि वो आपसे रिलेटेड हूँ सो सेंडर और रिसीवर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आती है हमारी कंट्रोल इंफॉर्मेशन के अंदर सो पेलोड इज द एक्चुअल मैसेज एंड कंट्रोल मैसेज इज द इन्फॉमेशन अबाउट सेंट्री एंडर रिसीवर और कंट्रोल मैसेज को हम हेडर ऑफ द मैसेज भी कहते हैं क्योंकि मैसेज के ऊपर हम हाँ आपका वो कंट्रोल मैसेज आता है उसके बाद आपका एक्चुअल मैसेज आ रहा होता है एग्जाम्पल के तौर पर बिलफर्ज हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल कि आपने किया है कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर आजकल के दौर में ऑनलाइन ऑर्डर तो इट्स लाइक डेली रूटीन काइंड ऑफ तो आपने किया है कुछ ऑनलाइन ऑर्डर अब जब पार्सल आपके पास आता है उस पर क्या होता है जो आपने एक्चुअली लेट से आपने कोई बुक ऑनलाइन मंगवाई है किसी शॉप से ऑनलाइन आपके पास डिलीवरी आनी है अब जो वो बुक है वो आपको जो राइटर है ऐसे तो नहीं पकड़ा देगा जी आपकी बुक है वो किसी पैकेट के अंदर होती है जैसे हमने बात की कि हम जो मैसेज सेंड करते हैं वी सेंड देम इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स तो एक्चुअल में भी डेली लाइफ में भी हमारे पास जो पार्सल आता है वो पैकेट की फॉर्म में आता है कवर हुई हुई होगी वो बुक आपकी कि एक किसी बैग के अंदर होगी उस बैग के अंदर जो है वो है बुक बट उसके ऊपर एक तरफ क्या होता है एड्रेस उसका लिखा हुआ होता है जिसने आपको वो भेजी है जिस भी शॉप से आपने वो परचेज की थी मतलब कि वो सेंडर है उसने अपनी इंफॉर्मेशन एक साइड पर लिखी हुई है कि ये इन केस आपको अगर नहीं मिलता पार्सल तो उनके पास इंफॉर्मेशन हो कि वापस किसको भेजना है तो सेंडर की इंफॉर्मेशन हमेशा लिखी हुई होती है कि किसने ये पार्सल भेजा है और रिसीवर की इंफॉर्मेशन भी होती है कि कहाँ पे ये डिलीवर करना है आपका एड्रेस भी लिखा हुआ होगा आपका नाम और आपका एड्रेस भी लिखा हुआ होगा उस पर सो so, सेंडर और रिसीवर दोनों की इंफॉर्मेशन पाई जाती है उस पैकेट के ऊपर सो so, वो जो पैकेट है हमने उसको नाम दे दिया उस पार्ट को जिस पर आपकी और सेंडर की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है दैट इज कंट्रोल इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन के साथ कंट्रोल किया जा रहा है आपके पार्सल को कि कहा से ये पार्सल पिक किया है हमने और कहां पे इसको डिलीवर करना है कंट्रोल इंफॉर्मेशन आ गई और उस बैग के अंदर है एक्चुअल मैसेज एक्चुअल पार्सल जो कि बुक आपको चाहिए थी उसको हम कहते हैं पेलोड वो थी एक्चुअल डिलीवरी जो होनी थी वो था एक्चुअल मैसेज जो आप तक आना था लेकिन उसको हमने कवर कर लिया और उस पर कंट्रोल इंफॉर्मेशन लगा दी सेंडर की और रिसीवर की अब बात करते हैं फोर्थ कॉम्पोनेंट की दैट इज प्रोटोकॉल लाइक टू परसन सिटिंग टूगेदर इन अ रूम बट दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको लेट से एक कमरे में दो लोग बैठे हैं बट वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे क्यों नहीं कर पा रहे क्योंकि एक बंदे को जो समझ आती है लैंग्वेज वो है लेट से फ्रेंच और जो दूसरा बंदा है उसको फ्रेंच बिल्कुल समझ नहीं आती उसको सिर्फ समझ आती है जापनीज पनीज या कोई और लैंग्वेज कह लें आप उसको फ्रेंच समझ नहीं आती और जो पहला बंदा उसको सिर्फ फ्रेंच आती है फ्रेंच ही बोल सकता है और फ्रेंच ही उसको समझ आती है तो ऐसे में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली दे बोथ शुड शेयर अ कॉमन लैंग्वेज अगर वो दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो उन दोनों की लैंग्वेज जो है जो जुबान इस्तेमाल करें वो सेम होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए जो दोनों को समझ आ जाए देयरफोर बोथ शुड बी एबल टू कम्युनिकेट और अंडरस्टेंड वॉट द अदर पर्सन इज से अगर कॉमन लैंग्वेज शेयर कर रहे होंगे तभी तो उनको समझ आएगी कि सामने वाला बंदा क्या बात कर रहा है अदरवाइज कम्युनिकेशन का कोई मकसद नहीं रहेगा समझ ही नहीं आ पाएगा कि वो क्या बोल रहा है और दूसरी एंड पर कौन क्या बोल रहा है इसी तरह कंप्यूटर्स के अंदर भी हमें पता होना चाहिए हाउ लॉन्ग द मैसेज शुड बी वॉट पार्ट ऑफ द मैसेज इज एक्चुअल डेटा मैसेज इज सेंडर्स इंफॉर्मेशन एंड विच पार्ट इज द रिसिवर्स इंफॉर्मेशन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन हो और हमें पता हो कि इस सारी इंफॉर्मेशन में क्या क्या कहा गया है सच इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन सक्सेसफुल कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स अगर हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन होगी तभी हम एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सो सम ग्राउंड रूल्स आर रिक्वायर टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली इसका मतलब है अगर मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है हमारे पास कुछ सेट रूल्स होने चाहिए हमें पता होना चाहिए कि भाई मैं इतना लंबा ही मैसेज भेज सकती हूँ मेरे मैसेज में ये इंफॉर्मेशन है मैंने किसको भेजना है उसकी इंफॉर्मेशन भी है और जिसने भेजा है मतलब मेरी अपनी इंफॉर्मेशन भी है तभी मैं किसी और के कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाऊंगी अदरवाइज मेरा मैसेज तो कहीं रस्ते में ही रह जाएगा जैसे मैंने एग्जाम्पल दी अपने वो पार्सल की आपको अगर उस पार्सल पे लेट से इंफॉर्मेशन टू और फ्रॉम होता है ना टू मीन्स किसको जा रहा है और फ्रॉम किसने भेजा है सो so, अगर टू और फ्रॉम हम ना लिखें हम दोनों एड्रेसेस लिख दें बस मतलब वो दो एड्रेसेस हैं पैकेट के ऊपर अब हमें ये नहीं पता कि इसमें से रिसीवर का एड्रेस कौन सा से और सेंडर का एड्रेस कौन सा है तो कन्फ्यूजन आ गई ना So, इसीलिए हमें मेंशन करना पड़ता है कि ये टू है मतलब कि हमने ये रिसीवर का एड्रेस लिखा है फ्रॉम मतलब कि ये हमने सेंडर का एड्रेस लिखा है तो कंफ्यूजन ना हो पता चल जाए ये सेंडर का था और ये रिसीवर का था इसी तरह ही आपका नाम होना जरूरी है एक घर में बहुत से लोग रहते हैं So, आपका नाम होगा तो पता चलेगा अच्छा इस पर्टिकुलर बंदे के लिए ये है सो so, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए वेट कितना है उस पार्सल का ये भी पता होना चाहिए हमें ताकि डिलीवरी करने वालों को पता हो कि हमने इसको कैसे कैरी करके लेकर जाना है so, तो ये सारे ग्राउंड रूल्स होने चाहिए ना तभी कम्युनिकेशन प्रॉपरली होती है इन कंप्यूटर नेटवर्क एग्रीड अपॉन द सेट ऑफ ग्राउंड रूल्स डेट मेक्स कम्युनिकेशन पॉसिबल आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स अब ये जो रूल्स हमने सारे बताए ये ग्राउंड रूल्स है कम्युनिकेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पार्सल लेकर जाने के लिए मतलब के मैसेज पहुंचाने के लिए वो ग्राउंड रूल्स थे कंप्यूटर सिस्टम में भी हमें ग्राउंड रूल्स चाहिए होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए और जो इस सेट हमारा जो एग्रीड अपॉन मतलब अगर मैंने कोई रूल बनाया है डेफिनेटली आप उसको एग्री करेंगे तो ही वो रूल बनेगा ना मतलब मैं अपने से रूल बना के बैठ जाऊँ दूसरी पार्टी कहे नहीं हम तो एक्सेप्ट नहीं करते तो वो उसका कोई फायदा नहीं तो so, जो भी सेट ऑफ रूल्स बनते हैं मतलब कि दे आर एग्रीड अपॉन हम लोग दोनों पार्टी जो कम्युनिकेट कर रही हैं उस पर एग्री किया है ऐसे सेट ऑफ रूल्स को हम कहते हैं कंप्यूटर की जुबान में प्रोटोकॉल दैट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ आर कम्युनिकेशन सिस्टम सो हम कह सकते हैं वॉट इज अ प्रोटोकॉल अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंप्यूटर्स टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एक फॉर्मल एग्रीमेंट है कंप्यूटर्स के बीच में टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन और इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल नेटवर्क प्रोटोकॉल कि मैंने आपको बताए हैं जिसको हमने कहा है प्रोटोकॉल वो हो गया होगा क्लियर हमने फोर कॉम्पोनेंट कर लिए डिस्कस अब हम करेंगे लास्ट कॉम्पोनेंट की बात जिसको हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी बट आज का टॉपिक का छोटा सा पार्ट है तो टच करते हैं हम इसको जो कि है ट्रांसमिशन मीडियम

और इंफ्रारेड हमने जो भी एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी दोनों तरह के हमने मीडिया को बहुत डिटेल में देखा था गाइडेड मीडिया अनगाइडेड मीडिया तो यहाँ पर वही मीडिया की हम बात कर रहे हैं इसको हम ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं कम्युनिकेशन मीडिया भी कहते हैं सो so, इसके साथ ही हमने कर लिए अपने पांचों के पांचों कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स को डिस्कस पहला था जिसमें सेंडर उसको हम सोर्स भी कहते हैं उसको हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं और सेंडर वो डिवाइस है जो इनिशिएट करती है कम्युनिकेशन को रिसीवर वो है जिसने रिसीव करनी है इवेंचुअली इंफॉर्मेशन इसको हम सिंक भी कहते हैं और हम डेस्टिनेशन भी कहते हैं फिर हमने बात की मैसेज की जो एक्चुअल डेटा कम्युनिकेट होना है उसको हम कहते हैं मैसेज और हमने देखा मैसेज डिवाइडेड है दो पार्ट्स में हमने मैसेज को पैकेट्स में सेंड करते हैं और वो पैकेट सेंड डिवाइडेड टू पार्ट्स में एक है पेलोड और एक है कंट्रोल इंफॉर्मेशन देन वी डिस्कस प्रोटोकॉल के सेट ऑफ अ फॉर्मल एग्रीड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बिटवीन अ सेंडर और रिसीवर फॉर द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल एंड लास्टली वी डिस्कस्ड कम्युनिकेशन मीडियम सो डियर स्टूडेंट्स ये तो था हमारा आज का लेक्चर उम्मीद करती हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल अल्लाह हाफिज